ओबीएस कहानी नंबर 43 कलीसिया की शुरुआत होना। ईसु ने स्वर्ग आखे वापस जाने के बाद चेले यरूशलेम शहर विच ठहरे, जेड़ा कि ईसु ने तिना के करने का आदेश दिता था। और 33 विश्वासी लोग लगातार प्रार्थना करने खातर एक साथ कट्ठे होया करो थे। हर साल फसह त्यौहार अरे 50 दिन बाद यहूदी लोग पिंतेकुस्त ना और एक खास दिन मनाया करो थे। पिंतेकुस्त वाले दिन यहूदी लोग कणक की बढ़ाई की खुशी मनाया करो थे। सारे संसार के यहूदी लोग पिंतेकुस्त वाला दिन एक साथ मनाने खातर यरूशलेम शहर विच आए थे। इस साल पिंतेकुस्त मनाने का समय ईसुरे स्वर्ग के चले जाने के लगभग एक हफ्ता बाद आया था। पिंतेकुस्त वाले दिन सारे विश्वासी लोग एक साथ कट्ठे थे। जिस घर विच से थे तेती अचानक तेज हवा की आवाज हुई, जिथे सारा घर गूंजीगा। तब तिन्हारे सामने आगे की अड़ी लपटा प्रगट हुई आ, जो अलग हुई कि हर आदमी सिरा बंदे आई गया। सो सब पवित्र आत्मा साथे परिपूर्ण हुई गए और दूजी भाषा विच परमात्मा की स्तुति करने लगे। ये से भाषा थी जिसके बोलने खातर से पवित्र आत्मा ने तैयार किए थे। जब यरूशलेम शहर विच रहने वाले लोगों ने से आवाज सुनी तो ये देखने खातर सारे लोग एक साथ आए कि ये क्या होने लगी रहा। तिन्हां ने विश्वासी लोग परमात्मा के जरिए किए गए बड़े बड़े कामों की घोषणा करते हुए सुने। सो चौंकी गए थे क्योंकि बेशक से अलग अलग देशों से आई रहे थे और अलग अलग भाषा बोलो थे, पर फिर भी सो तिन्हां कामों के अपनी भाषा विच सुनने लगे थे। चेले इजराइल देशों से थे और अरामी इब्रानी और यूनानी भाषा बोलो थे, पर लोग अपनी भाषा विच सुनने लग रहे थे कि परमात्मा ने क्या क्या किया। इन्हां विच कुछ लोगों ने बोलिया कि सो चेले नशे विच थे, पर पतरस खड़ा हुआ और तिन्हां के बोलिया, मेरी गल सुनो, ये लोग नशे विच नहीं है। इजरी बजाय जो तुसे देखो है ये सही है जो योएल भविष्यवक्ता ने बोलिया था कि ये होना। परमात्मा ने बोलिया, अंत वाले दिनों विच मैं सब आदमी अपनी आत्मा साथे भरी देना। ए इजराइली लोगो, ईसु एक अड़ा आदमी था जिन्हें ये दिखाने खातर कि हाँ कुने बहुत सारे अनोखे काम किते। तिन्हें परमात्मा की सामर्थ्य से बहुत सारे अनोखे काम किते थे। तुसा कि ये पता है क्योंकि तुसे ये सब काम देख रखे, पर तुसे से क्रूसा पांदे चढ़ाई के मारता। ईसु मरीगा था पर परमात्मा ने से मर्याद विच जिंदा करता। परमात्मा ने से गल पूरी करती जो एक भविष्यवक्ता ने लिखी थी कि तैं अपना पवित्र जन कबरा विच सड़ने नहीं देना। आसे गवाह है कि परमात्मा ने ईसु मर्याद विच दोबारा जिंदा किया। पिता परमात्मा ने वे ईसु के अपने दाएं तरफ बैठाई कि तेसके आदर दिता और ईसु ने आशा खातर पवित्र आत्मा भेजी, जेड़ा कि तिने वादा किया था कि हाँ भेजूंगा। ये सब काम पवित्र आत्मा करने लगी थी जो तुसे देखो है और सुनो है। तुसे से आदमी यानी ईसु क्रूसा पांदे चढ़ाई के मारता, पर तुसे ये जान लो कि परमात्मा ने ईसु सब चीजा पांदे प्रभु और मसीह दोनों ठहराया था। पतरसरी गल सुनने वाले लोग तेसरी गल ते अंतर तक हिल गए थे। इस खातर तिन्हां ने पतरस और चेलिया से पूछा, ए भाईओ आशा के क्या करना चाहिए। पतरसा ने तिन्हां के जवाब दिता, तुसा विच हर एक अपने पापा का पछतावा करो ताकि परमात्मा तुसर पाप माफ कर दो और ईसु मसीह नाव से बपतिस्मा लियो, तब तिन्हें तुसा के पवित्र आत्मा का वरदान भी देना। पतरसरी गल सुनी के लगभग 3,000 लोगों ने ईसु पांदे भरोसा किया और सो ईसु के चेले बनी गए। तिन्हां ने बपतिस्मा लिया और यरूशलेम शहर की कलीसिया का हिस्सा बनी गए। जब प्रेरिता ने तिन्हां के शिक्षा दी तो विश्वासी लोगों ने लगातार शिक्षा सुनी। सो एक साथ कट्ठे हुई की संगति कराया करो थे और एक दूजे खातर प्रार्थना करो थे। सो मिली के परमात्मा की स्तुति करो थे और जो जो भी तिना के था तिजके आप पीछे बांट लो थे। नगरारा हर एक आदमी तिनार प्रति अच्छा विचार रखो था। दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वासी बन दे गए।